दोस्तों मैं आज हूँ आकर एक्वेरियम में और आज मैं इनके पास आया हूँ एक्वेरियम फिश का स्टॉक है वो कवर करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग मॉन्स्टर एक्वेरियम फिश है और कुछ सिकलेट फिश की वेराइटीज है वो पूरी कवर करने वाले हैं। हमारे सामने है राजन सर जो आकर एक्वेरियम के ओनर है। हेलो सर। तो सर फर्स्ट हम लोग कौन से फिश के साथ शुरुआत करें? एक जायंट फिश स्टार्ट करते हैं। तो ये सर कौन सी करवाना है? ये आपका आरटीजी है, किया फॉर्म करवाना है। अच्छा, और इसका एक कॉस्ट है आपका 45,000। क्या साइज है इसका? ये ऑलमोस्ट आपका 16-17 इंच का करवाना है और ये ग्रीन करवाना है। इसका कॉस्ट है आपका एक 15,000 और बाद में आपका ये बंजर करवाना है। यस। इसका कॉस्ट है पूरा 25,000। तब और ये क्या साइज है इनकी? ये सब आपके 1.5 फुट के आसपास है। अच्छा। 16 से 18 इंच के बीच में। बाद में यहाँ पे सर ये आपके स्टिंगरेज है, आप जो देख रहे हो ना ये पल्स स्टिंगरे है। अच्छा। और इसका कॉस्ट है आपका 30,000 रुपीज है। 15,000 का एक पीस? हाँ, 15,000 का एक पीस है आपके पल्स स्टिंगरे। और बाकी जो है पीछे ये टाइम मोटर टेबल अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अच्छा। तो ये आपका हाइब्रिड स्टिंगरे है। हाइब्रिड स्टिंगरे का आपका कॉस्ट है 18,000 रुपीज है। 9,000 का वन पीस? यस यस। लेकिन अच्छे खासे सेट पीसेस है, ऐसे नहीं कीजिए बराबर ना, लेकिन आप देख सकते हो उसे कंडीशन वगैरह बराबर प्रॉपर है, प्रॉपर मेंटेनेंस है और साइज भी काफ़ी बड़ा है इन जनरल जो आता है मार्केट में उससे। और ये सर यहाँ पे ये आपकी किंग कॉन्ग पैरेट्स है। यस। उसमें थोड़े रेगुलर पैरेट्स भी है और ये इसका कॉस्ट है आपका 5,000 रुपये है। तो कोई भी लोग 5,000 रुपये मतलब 2,500 का वन? यस यस। और ये सर ऑस्कर? ऑस्कर जो है आपका 3,000 रुपये है। बाद में आप सर इस टैंक में? इस टैंक में जो शिवराम्स है। यस। रेड शिवराम्स है एक्चुअली। हाँ। तो इसका कॉस्ट आपको 1,500 हो जाता है और बाद में जो पैरेट्स दिख रहे हैं आपको सब हार्ट शेप पैरेट्स है, 1,200 हो जाता है। और ये जो आप शिवराम्स देख रहे हो ये रॉड के शिवराम्स है। यस। इसका कॉस्टिंग है आपका 2,000 हो जाता है। क्या साइज है उसकी? ये ऑलमोस्ट आपके लिए बोले 4 इंचेस प्लस है रॉड के, और जो है रॉड के शिवराम, और ये बाकी जो है आपके एक 3 इंच, ये 2.5 से 3 इंच के आसपास है। ये जो आप जो जियो फिगर्स है। यस। इसमें सुलेमानसिस है और आपके हेकिलीज है। यस। इसका कॉस्ट आपको 1,500 हो जाता है। ये आपके जियो फिगर्स हेकिलीज है, हेकिलीज एल्बिनो हेकिलीज बोलते हैं इसको, और इसका कॉस्ट आपका 3,000 हो जाता है। और साथ में आप देख रहे हो कि रेड रेनबोज है। हाँ। और रेड रेनबोज का पेयर है आपका 350 हो जाता है। और यहाँ पे सब या फिर चिकलेट्स वैरायटी है, अफ्रीकन चिकलेट्स है। यस। और इसमें डायमासोमी चिकलेट्स भी है और बाकी अदर चिकलेट अफ्रीकन चिकलेट्स है, इम्पोर्ट स्टॉक है ये। और ये आपका 400 रुपये पैर का है। ये इसमें लेपर्ड सिलिका से डिजिटल सिलिका से मिक्स है। लेपर्ड खाली जो है आपका 3,500 रुपये पैर है, बाकी अदर सिलिकल जो है आपका 2,500 रुपये पैर है। ये लेपर्ड है ना? हाँ। ये अमेरिकन फ्लैग है, अमेरिकन फ्लैग फिश। इसका कॉस्ट है 10,000 रुपये पैर। और ये आपका अल्बिनो अरवाना है। Yes. इसका कॉस्ट है आपका 12,000 रुपीज़ अ पीस। ये ऑलमोस्ट आपका 12 इंचेस प्लस है, 12 इंचेस के आसपास है। यस, ज़्यादा है। और ये सर अरवाना? ये आपका हाई बैग अरवाना है। इसका कॉस्ट है आपका एक 12,000 रुपीज़ अ पीस। और यहाँ पे सब ये आप देख रहे हो सिल्वर शार्क्स है। हाँ। जो कि आपके शॉर्ट बॉडी सिल्वर शार्क्स है। Yes. तो इसका कॉस्ट है आपका 3,500 रुपीज़ का है। और साथ में आपके रेड हुक डॉलर्स है। हाँ। जो बैंडेड डॉलर बोलते हैं उसका कॉस्ट है आपका 5,000 रुपीज़ का है। और साथ में जो सादे डॉलर्स आप देख रहे हो सिल्वर जो बड़े बड़े हैं। यस यस। उसका कॉस्ट है आपका 1,200 रुपीज़ का है। इसमें जो रेड पैरेट्स है ये बी ग्रेड का है, तो ये जनरली आता है बैंकॉक से। इसका कॉस्ट है आपका 650 रुपीज़ का है। और साथ में आप देख सकते हो कि वुड कैटफिशेज है, रेड कैटफिश। यस। उसका कॉस्ट है आपका एक 1,500 रुपीज़ का है। और साथ में लैंसर्स, लैंसर कैटफिश है। हाँ हाँ हाँ। इसका कॉस्ट है आपका एक 3,000 रुपीज़ का है। बड़े बड़े हैं काफ़ी, साइज देख सकते हो। नहीं है क्या वैरायटी? हाँ, ये बीच में भी आए थे, थोड़े बड़े आए थे लास्ट टाइम आए, थोड़ा छोटा साइज था, ये टाइम साइज काफ़ी बड़ा है। पीकॉक बस? पीकॉक है। इसका कॉस्ट है आपका एक 1,500 रुपीज़ का पैर। और साथ में आपका रेड टेल रेनबो शार्क्स है। Yes. इसका कॉस्ट है 120 रुपीज़ का पैर।
यहाँ पे सर? ये आपके जियो फिगर्स है, तो इसका कॉस्ट है आपका एक 3000 रुपीज आपका है, और साथ में आप देख रहे हो कि जो अमेरिकन फ्लैग टेल्स है, येलो टेल्स है एक्चुअली, इसमें रेड टेल्स भी आते हैं, तो ये इसका कॉस्ट है आपका एक 2000 रुपीज आपका है, और साथ में आपके सिल्वर अरवानाज है, सिल्वर का कॉस्ट है आपका 1350 रुपये पीस। ये टाइम पे थोड़े महंगे हैं क्योंकि स्टॉक नहीं आ रहा है और माल नहीं है मार्केट में हिसाब से, बाकी अदर टाइम हम इसको कम रेट निकालते हैं, लेकिन स्टॉक नहीं है सबसे और रेटिंग है। और ये सर गोल्डफिश, एक गोल्डफिश आपके जो रेड कैप गोल्डफिश जो आप देख रहे हो ना, एक्चुअली इंडियन है ये, नॉट इम्पोर्टेड, तो उसका कॉस्ट है आपका 1200 रुपीज पे, और बाकी जो अदर आपके रुकीज है, यस कैलिकोस भी है उसमें, उसका कॉस्ट है आपका 3000 रुपीज पे, वो इम्पोर्ट स्टॉक है। अच्छा इम्पोर्टेड है ना ये? हाँ ये इम्पोर्टेड है, खाली रेड कैप जो है इंडियन है, लोकल स्टॉक है। और ये सर ये आपके ब्लैक गोश्त है, और ये ब्लैक गोश्त का आपका कॉस्ट है एक 500 रुपीज पे, और साथ में जो आप देख रहे हो अमेरिकन फ्लैग्स है, रेड टेल फ्लैग जो बोलते हैं, yes. ओके, और ये थोड़े छोटे भी है जो येलो फ्लैग टेल्स है, इसका कॉस्ट है आपका 3000 रुपीज पे। और यहाँ पे सर ये आपके ए ग्रेड के रेड पैरेट्स है और येलो पैरेट्स भी है, इसका कॉस्ट है आपका 900 रुपीज पे। ये एक्चुअली ये सिंगापुर का वराइटी है, आपने जो इसका पहले दिखाया था मैंने 650 वाला, एक्चुअली बैंकॉक से आते हैं, उनके बीक और कलर में काफ़ी फर्क रहता है, उनका बीक और कलर काफ़ी अच्छा रहता है, और कलर भी आप देख सकते हो एकदम डार्क कलर है। ये आपके ऑस्कर्स है, इसे मोजेक और आपके रेड ऑस्कर्स है, उसका कॉस्ट है आपका एक 500 रुपये पे। और इस टैंक में सर ये आपकी सिल्वर अरवाना है, ये ऑलमोस्ट आपके एक 9 इंचज की अरवाना है, और इसका कॉस्ट है आपका एक 1800 रुपये पीस। तो साथ में आप देख रहे हो कि बंजर रेड अरवाना एक है, ये जो पीछे ये बंजर अरवाना बोलते हैं, आल्टो बोलते हैं, हाँ उसका कॉस्ट है आपका 10000 रुपीज पीस। ये फ्लोरल्स है, और ये फ्लॉरस का कॉस्ट है आपका 2500 पीस फ्लॉरल, ये भी ना सेम, ये से सब सेम ऑल सिमिलर, एसआरडी है क्या? एसआरडी है। और ये सब यहाँ पे ये आपके बलून रैम्स है, और इसका कॉस्ट है आपका एक 650 रुपीज पे। और यहाँ पे सब ये आपके नियॉन आकाराज है, इलेक्ट्रिक ब्लू नियॉन आकाराज, उसका कॉस्ट है आपका 300 रुपीज पे, और साथ में जो आपके फिलामेंट बल्ब है उसका रेट है आपका एक 200 रुपीज पे। और यहाँ पे सर ये डिस्कस है, ये ऑलमोस्ट आपके 4 इंच का डिस्कस है, इसका कॉस्ट है आपका एक 2500 रुपीज पीस। इसमें मिलन वगैरह वाइल्ड क्रॉस बाद में आपके मैप्स है इसमें, जो कि चिकन भी बोलते हैं इसको, और आपने ये स्नो वाइट भी है, ये आपके इरप्शन डिस्कस है। अच्छा, और इसका कॉस्ट है आपका 9000 रुपीज पे, 9000 का पेयर, 4500 का पीस। यस यस, क्या साइज है इनका? ये ऑलमोस्ट आपके कम से कम 6 इंच के आसपास है। तो दोस्तों ये था वीडियो आकार एक्वेरियम का था, जिसमें हमने एक्सोटिक एक्वेरियम फिश और मॉन्स्टर एक्वेरियम फिश उसका स्टॉक हमने कवर किया है। तो राजन सर काफी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सर। और अभी कैसे आप जो शॉप है वो अच्छी तरीके से सेट कर रहे हो? हाँ आस्ते आस्ते काम चालू है, आप देख रहे सकते हो कि निखिल इधर थोड़ा स्केटिंग पे ध्यान दे रहा है, थोड़ा पेस्टिंग हो रहा है ग्लू का वो कर रहा है, ये जनरली ये भी टैंक हम लोग के अभी बनने जा रहे हैं, ये आपके जनरली हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं कि इसको डिस्कस टैंक का सोच रहे हैं, डिस्कस टैंक हो जाएगा, डिस्कस विथ आपका रामा रोजी हो गया, और थोड़ा का बाकी जो जायंट कॉन्गो टेट्राज हो गए हार्ट, ये सब जनरली सब भी आएंगे, और ये जो है ये आपका जनरली एक अल्टम टैंक का सोच रहा है, प्लानिंग है। अच्छा अल्टम टैंक विथ फास्ट मूविंग फिश, जो आपके रेनबोज वगैरह हो गए फास्ट मूविंग फिश है वो आएंगे, और थोड़े उसमें डेनिस नहीं बाग वगैरह। तो सर काफ़ी अच्छा आप डिस्प्ले टैंक बना रहे हो, तो कब तक लगे रेडी होगा ये ऑलमोस्ट? अभी तो अभी इसका अभी सबसे साइकिलिंग में डाल दूंगा, तो एक 8 दिन के बाद में फिश डालना चालू कर दूंगा। अच्छा, तो आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली फिश आएंगे, पहला टेट्रा आएंगे जो बेसिक छोटे मच्छी है, बाद में एक बार टैंक अच्छा से मैच्योर हो जाएगा, फिर आस्ते तो उसमें जब के एंजल और डिस्कस जो भी है स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम सर, आपने अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया, थैंक यू सर, यू आर वेलकम ऑलवेज, फिश भी काफ़ी अच्छे थे, थैंक यू, और सेट थे पूरी तरह से, थैंक यू।